श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। वैकुंठ एकादशी 2023 में 2 जनवरी को मनाई जाएगी। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं। एकादशी का व्रत रखने से हजारों साल की तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं वैकुंठ एकादशी व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान की रक्षा होती है, साथ ही इस व्रत को करने से संतान पर सकारात्मक असर पड़ता है और उनकी आयु भी लंबी होती है। इस व्रत को महिला या पुरुष जो भी करें, निर्जला रहकर ही करें। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति धन धान्य से संपन्न रहता है और व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस किसी ने इस व्रत को कर लिया, ऐसा माना जाता है कि उसने सब पुण्यादि तीर्थ, गंगा, दिव्य नदियों का स्नान कर लिया हो। इस व्रत को रखने से गोदान करने जितना फल भी मिलता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। पौष एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी शाम 7:12 पर हो जाएगा और यह जनवरी 2 शाम 8:24 तक रहेगी। पुत्रदा एकादशी का पारण 3 जनवरी सुबह 7:12 से लेकर 9:20 तक किया जाएगा। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, फूल, पंचामृत और गंगा जल जरूर शामिल करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर यह आपको शिक्षाप्रद लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।